हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल अभी जो टाइम है वो हो रहा है 5:23। आप देख सकते हो 5:30 होने वाले हैं और अब शाम हो चुका है आप देख सकते हो, बट अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ छत पे साइकिल चलाने के लिए और मेरा 5:55 से एग्ज़ाम है, जो कि एक एग्ज़ाम मेरा छूट गया था तो वही रीटेस्ट है तो उसको देना भी है, तो वो 5:55 से है और अभी मेरे पास आधा घंटा है। जाके साइकिल को भी ऊपर चढ़ाना होगा और चलाना होगा क्योंकि साइकिल नीचे रख रखा है मैंने, और भाई सोचा क्यों ना एक व्लॉग के जरिए आपको दिखाया जाए। ऐसे भी कुछ तो है नहीं दिखाने लायक, बाहर लॉकडाउन है कुछ है नहीं, तो अब इसी में ही व्लॉग बनाना होगा। और लेट व्लॉग आता है तो भाई आप लोग कमेंट भी करने लगते हो कि भाई क्या हुआ व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो फिलहाल अभी मैं जाता हूँ, पहले साइकिल को ऊपर करता हूँ और भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखिएगा। और भाई चैनल पर नया या सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक अभी तक फॉलो नहीं किया गाइस तो आईडी सॉरी गाइस स्क्रीन पे आपको लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से जाकर फॉलो कर लीजिएगा जो वहीं पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। फिलहाल गाइज मैं आ चुका हूँ ऊपर और अभी जो टाइम है आप देख सकते हो 5:25 और वहाँ पे है मेरा साइकिल आप देख सकते हो। तो अभी इसको मैं अकेले ही ऊपर लाऊंगा, ठीक है, और ये एक मुश्किल टास्क भी होगा मेरे लिए क्योंकि अकेले भाई साइकिल लाना कोई आसान बात नहीं है। और भाई मैं यहीं पे साइकिल को लगाता हूँ बिकॉज गाइज क्योंकि अभी 2-3 दिन से बहुत लगातार पानी पड़ रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना इसको यहीं पर पार्क कर दिया जाए, इसमें इधर पानी भी ज़्यादा इस पर नहीं आता है, नहीं तो जंक लग गया टायर में, ठीक है। और भाई अभी ऊपर लाने का एक टास्क है, तो आप देख रहे हो कि बीच में 2 लकड़ी है, ठीक है, तो उसको मैं सीधा ऐसे करके लगा दूंगा स्लोप तरीका से और सिंपली साइकिल को ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। तो पहले तो जल्दी से स्लोपिंग को लगाना होगा और साइकिल को ऊपर लाते हैं। ये रहा मेरा ट्राइपॉड और गाइज जब मैं व्लॉग शूट करता हूँ इसको लाना ही पड़ता है बिकॉज गाइज अकेले व्लॉग शूट करता हूँ कभी कभी, तो ट्राइपॉड का तो काम पड़ने ही वाला है। और गाइज अब मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को गोरिल्ला पॉड रख लेना चाहिए था, बट मैं अब गोरिल्ला पॉड नहीं लेके बहुत बड़ा गलती किया हूँ क्योंकि जब ना तब मेरे को ट्राइपॉड लाना पड़ता है, लेकिन अब मैं गोरिल्ला पॉड जल्दी ही बाय कर लूँगा। भाई साइकिल निकल चुकी है आप देख सकते हो, इतनी मुश्किल से मैंने साइकिल को निकाला है। और भाई पर डे के लिए तो मैं वहाँ पे लगा नहीं सकता बिकॉज पर डे इतना मुश्किल कौन झेलता है भाई, तो जब बारिश प्रॉपरली रुक जाएगी तो फिर मैं जहाँ पार करता था वहीं पे करूँगा। और भाई हमेशा मैं छत पर नहीं चलाता हूँ बस इस लॉकडाउन के कारण, नहीं तो नीचे ही रोड पर चलता है, और लॉकडाउन है तो भाई ऐसे ही बोर हो रहे हैं और शाम में लाद के यहीं गोल गोल घुमाने में कम से कम मज़ा भी आ जाता है, ठीक है। तो कुछ राउंड मार लेता हूँ और अच्छा खासा टाइम हो चुका है आप देख सकते हो, 5:36 हो गया और मेरे को 5:55 में लिंक आ जाएगा रिटेस्ट जो मेरा एग्ज़ाम एक बच गया था उसका। गाइस देखिए ये पसीना कितना आ रहा है भाई, ठीक है, मतलब इतना सा काम करने में इतना पसीना आ रहा है। और भाई कैमरा क्वालिटी यार ज़रूर से बताइएगा कि कैसा है इस फ़ोन का, क्योंकि मेरे को तो प्राइस रेंज में बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी इसका लग रहा है। तो जैसे कि मोबाइल का 1 ईयर हो चुका है तो भाई कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई इस वॉच जो MI Band 5 मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका 1 मंथ का रिव्यू और अपने फ़ोन रियलमी का 1 ईयर का रिव्यू देने के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हैं, तो सोच रहा हूँ कि इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए, तो बहुत जल्द वीडियो आएगा इस पर भी। भाई देखिए कितना पसीना आ रहा है, ठीक है, तो 2-4-5 राउंड अभी अच्छा खासा राउंड मैं अभी चला सकता हूँ, 2-4-5 बोल रहा हूँ कहाँ, तो कुछ राउंड अभी चलाता हूँ साइकिल फिर पानी दे के भाई नीचे भी जाना है एग्ज़ाम देना, तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा रिटेस्ट वाला कैसे एग्ज़ाम में दे रहा हूँ। तो चलिए अभी कुछ राउंड साइकिल चला देता हूँ। देखिए बारिश से क्या होता है, देखिए अब कितना जंक लग गया, ठीक है, देखिए जंक मतलब पिछले वाले टायर में तो पूरा टायर में ही जंक लग गया, खास करके यहाँ से हम लोग हवा भरते हैं उसमें भी जंक काफ़ी लग गया है। और भाई देखिए इधर इस टायर में भी हल्का फुल्का लग ही गया है जंक। तो भाई साइकिल काफ़ी अच्छा है, बढ़िया साइकिल है, 2 साल हो चुके हैं मेरे को यूज़ किए हुए। और भाई मैंने सीट भी चेंज करा रखी है, देखिए हीरो के सीट है और एटलस का साइकिल है। और भाई पीछे का लाइट भी यार कहीं गिर गया था कस के चलाने में, तो लाइट भी लॉकडाउन के कारण नहीं मिला, नहीं तो लाइट तो 1-8 साल और चला के अच्छा वाला साइकिल खरीद लेंगे, ठीक है, बिकॉज गाइस ये साइकिल भी अब वही हो चुका है, 3 साल बहुत ज़्यादा हो गया, तो और 1 साल और चला के फिर न्यू साइकिल ले लूँगा मैं नेक्स्ट बर्थडे में, तो इस बार अच्छा साइकिल लूँगा, ठीक है,
यहाँ सिंगल सीट वाला, और काफ़ी गियर सब कुछ रहेगा, गियर पावर तो इस बार अलग न्यू चेंज करेंगे। अभी भाई इसको पानी में रखने का नतीजा कितना आवाज़ कर रहा है, ठीक है। और मेरे पीछे वाले ब्रेक भी ख़राब हो गए हैं, ठीक है, ये इसमें सटा हुआ रहता है, तो मैं जैसे ही आगे करूँगा तो देखिए भाई आवाज़ करता है जब भी मैं चलाऊँगा। देखिए जैसे अभी मैं चलाता हूँ कैसे आवाज़ करेगा पानी में रखने के कारण, देखिए भाई सुन लिया होगा कितना कितना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये भी एक प्रॉब्लम हो चुका है इसमें, तो इस प्रॉब्लम को तो बहुत जल्दी ठीक करना होगा, क्योंकि तो पीछे का जो ब्रेक है वही जाम हो गया है। आपको दिखाता हूँ, ऐसे मैं ब्रेक को ऊपर कर दूँगा तो ये आवाज़ करना बंद कर जाएगा। तो भाई जब भी मैं पीछे का ब्रेक लूँगा देखेगा देखिए और भी आवाज़ करने लगता है, ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ठीक है। एक साल और यूज़ करेंगे जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद न्यू लेंगे। तो चलिए कुछ राउंड चलाते हैं। इस तरह से मैं खाली सिंपली इसको टायर से ऐसे कर दूँगा, देखिए ये होगा ही नहीं, बार बार टायर में सटता है जिसके कारण से आवाज़ होता है। आप देखते हैं आवाज़ करता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना हटा ही देना चाहिए ब्रेक को। अभी भी भाई कर रहा, लगता है ये अच्छा वाला प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो और भी आवाज़ करना बढ़ गया है, तो अब मैं इसको थोड़ा देर बाद चलाऊंगा, क्योंकि अब टाइम हो चुका है 5:42 और सब मैं पानी भी देना है, तो पानी देने के बाद फिर नीचे जाके एग्ज़ाम भी देना है। तो पहले तो मैं इसको यहीं पर कहीं लगा देता हूँ, और एग्ज़ाम देने के बाद फिर 6:30 बजे थोड़ा सा और चला के सिंपली जहाँ पार्क करते हैं वहाँ पर पार्क कर देंगे, क्योंकि भाई अभी भी कोई ठीक नहीं है कि बारिश हो या ना हो। तो पहले तो इसको पार्क कर देते हैं अभी छत पर, और उसके बाद फिर भाई देखिए कितना आवाज़ कर रहा है, सही नहीं लग रहा भाई, इरिटेटिंग लग रहा चलाने में। तो लिटरली यार अब मन कर रहा है न्यू साइकिल लेने का, ठीक है। तो इधर लगाऊंगा, तो इधर अभी मैं लगा के और चलता हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, और बाद में यार फिर 6-7 बजे आकर इसको सिंपली इसके जगह पे लगा देंगे। देखिए अभी यहाँ पर रहेगा कुछ देर, और होगा तो सिस्टर को चलाने का मन होगा वो चला लेगी, ठीक है। और भाई व्हाट्सएप पर तो यार लगातार मैसेज आ ही रहे हैं कि रीटेस्ट, तो भाई चलिए देने चलते ही रहा इसका की। तो चलिए सब चलते हैं देख के, देने बोल रहा हूँ यार अभी पौधों में पानी देना बाकी है। मैंने पानी दे दिया, आप देख सकते हो इस साइड भी पूरा है, उस साइड भी सबको मिल चुका है, और उधर दो थे उन दोनों को भी मैंने दे दिया पानी। और भाई टाइम आप देख सकते हो 5:51, मतलब 3-4 मिनट और है मेरे पास। अब चलता हूँ साइकिल को यहीं पार्क कराने देता हूँ। और गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड नहीं है, तो ट्राइपॉड को मैं ऑलरेडी नीचे रख के आ चुका हूँ। देखिए इतना यार मतलब बाल वगैरह सब भींग गया है, और टाइम कितना मतलब 5:30-6 बजने वाले हैं, और अभी इतना धूप है भाई, ठीक है, मतलब 7 बजे हम लोग छत पे आएंगे तो सही लगेगा। और भाई देख सकते हो कैसा पूरा हो गया है हाल, तो बनता तो है यार ठंडा कुछ कोल्ड। तो पहले जाके देखता हूँ माजा मैं आज लाया था 40-45 वाला, तो वो है कि नहीं, रहेगा तो उसी को पी लेता हूँ। चलिए एग्ज़ाम देते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा मैं एग्ज़ाम देता हूँ। तो चलिए माजा मेरा, ठीक है, और जल्दी से इसको पीना है क्योंकि लिंक आ चुका है, और आपको दिखाता है कि कैसे मेरा लिंक आया और कैसे मैं अभी रीटेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन से, और देख सकते हो ये रहा जो कि लिंक है, स्नैप वर्क पे आता है, जो कि मेरा नाम आर्यन रंजन, ठीक है, आप देख सकते हो। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये रहा मेरा लिंक रीटेस्ट का, आप देख सकते हो यहाँ पर फिजिक्स रीटेस्ट। तो सिंपली अब लिंक पर क्लिक करता हूँ, और जल्दी से इसका टेस्ट को ख़त्म करने के बाद फिर जो टाइम है वो हो चुका है गाइज, आप देख सकते हो 5:58। और गाइज मेरा एग्ज़ाम डन हो चुका है, आप देख सकते हो टाइम हो चुका है 6:18, और मैंने अपना माजा ही पी लिया, और जल्दी से इसको अब कर देते हैं सबमिट। तो सबमिट हो गया, तो सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो भाई एग्ज़ाम हो चुका है डन, ठीक है, और आप देख सकते हो, और ये मेरा नेक बैंड है इसका भी चार्ज पूरा ख़त्म हो चुका है, और एग्ज़ाम को कर दिया मैंने डन, सबमिट हो चुका है। और इसलिए मैं आपको दिखा दिया, बिकॉज पिछला बार ये सबमिट नहीं हुआ था, ये मैं रीटेस्ट दिया हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया था पिछला बार बट वो सबमिट नहीं हुआ, और इसलिए मेरे को दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार सबमिट हो चुका है। तो और भाई अभी 6:20 हुआ है, और बाहर अभी धूप है हल्का फुल्का, तो चलते हैं 6:30 तक हम लोग जाएंगे अब ऊपर, और फिर साइकिल चला के फिर रखेंगे, और फिर वहीं पर ब्लॉग को एंड भी करेंगे। भाई हर चीज़ हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं 6:50 में आपको जब साइकिल ऊपर लाने जाएंगे। तो चलिए।
देखिए 6:45 और मैं आ चुका हूँ छत पे, और अब मौसम थोड़ा सा रात टाइप का हो चुका है, तो अब सही लग रहा है यार। इस मौसम में यार साइकिल चलाने में मज़ा अलग ही आता है, तो अभी कुछ राउंड साइकिल चलाऊंगा। यहीं पे मैं पार्क करके गया था, एग्ज़ाम वगैरह सब डन हो चुका है, थोड़ा देर चलाते हैं, फिर उसके बाद इस तरफ से नहीं उस तरफ से मैं लाऊंगा नीचे साइकिल, ठीक है। बिकॉज़ यार इस तरफ से लाने में अलग ही दिक्कत हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इधर से लाओ फिर सीधा हो जाता है, और मैं इसी छत से लाता भी हूँ ऊपर, ठीक है। इसी सीढ़ी से ऊपर भी लाता हूँ, और इस सीढ़ी से अगर मैं नीचे करूँगा तो ये उस तरफ से मेरा साइकिल हो जाएगा, तो लाने में दिक्कत होगा। तो फिलहाल मैं उस सीढ़ी से इसको नीचे करने वाला हूँ, और इधर से सिर्फ लाने के लिए सबको साफ़ करना होगा। तो चलिए कुछ राउंड पहले साइकिल चला लेते हैं, उसके बाद इसको नीचे करेंगे। कितना एडिटेट कर रहा है, मतलब देखिए कितना साउंड दे रहा है, एक यही मेरे को सही नहीं लग रहा। और भाई अभी चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा है, बिकॉज अभी ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, ठीक है। मेरा साइकिल चलाना डन हो चुका है, बिकॉज 6:53 एंड अब शाम पूरा हो चुका है, ठीक है। और अब इसको लगा देना चाहिए, और भाई गोल गोल घूमते घुमाते चक्कर जैसा लगने लगता है, तो ज़्यादा देर भी नहीं चलाता हूँ, बस साइकिल बस ठीक रहे इसलिए छत पर ला कर चला लेता हूँ, नहीं तो जंक लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भाई मैं आ गया हूँ साइकिल लगा के नीचे, आप देख सकते हो रात हो गया, इसलिए मैंने साइकिल लगाने का कोई सीन नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा से आ नहीं रहा था कैमरा में। तो भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 15 मिनट का हो चुका है, तो अभी तक भाई वीडियो पे बने हुए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और थैंक यू सो मच अभी तक बने हुए हो, और वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और हाँ भाई मैं गोरिल्ला पॉट जल्दी ले लूँगा, बिकॉज भाई हाथ दर्द हो जाता है, मतलब अभी मेरे पास ना सेल्फी स्टिक है ना माइक है, सिंपली फ़ोन है और मेरा हाथ है, ठीक है, तो दर्द सी हो जाती है, ठीक है। और काफ़ी लंबा बड़ा सा मोबाइल है तो और भी दिक्कत हो जाता है, तो गोरिल्ला पॉट जल्दी से ऑर्डर कर दूंगा, थोड़ा सा खाली सही होने दीजिए। तो आई होप डैट आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को क्लिक कर दीजिए, और गाइज मेक श्योर आप जाकर जल्दी से फॉलो कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, आपको वहीं पे जाके अपडेट्स मिलेंगे। आईडी सोरोगी स्क्रीन पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और फेसबुक पे भी चाहो तो गाइज फॉलो कर सकते हैं, आईडी सोरोगी आपको उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एट द टॉप, तो जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, कीप वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट ऑन अवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, कीप वॉचिंग।